गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहले अनाउंसमेंट पार्ट देख ले। हाँ ये है लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट, 1:1 लाइव मेंटरिंग, मतलब हर स्टूडेंट के लिए एक मेंटर अलॉट किया जाएगा, जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी उनको बताने के लिए। कोर्स को एनरोल करने के लिए किसी भी एजुकेटर के कोर्स से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा वाला कोड ये है, GS लाइव या सौरभ GS, कोई भी कोड यूज़ कर सकते हैं। ESC प्रीलिम्स का जो बैच स्टार्ट हुआ है 2022 के लिए, उसमें लास्ट मंथ में सेफ्टी कंप्लीट किया है मैंने। अभी ICT चल रहा है, आज लेक्चर 2 हो गया उसका। 11:30 पे होती है क्लास ESC प्लस कैटेगरी में। नेक्स्ट मंथ होगा एथिक्स, फिर एनवायरनमेंट, फिर करंट अफेयर। इस बैच में रजत जौहरी पढ़ाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उमा महेश्वरी पढ़ा रहे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अमन राज स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड एप्टीट्यूड, और हैदर पढ़ा रहे हैं डिज़ाइन ड्राइंग सेफ्टी। सेफ्टी मैं भी कराऊंगा, हैदर भी कराएंगे। न्यू बैचेस फॉर गेट एंड ESC। अनअकैडमी गेट एंड ESC मेगा कॉम्बैट अगला टेस्ट है इसका 19 तारीख को। अनअकैडमी कॉम्बैट का अगला टेस्ट 19 तारीख को 11 बजे सुबह। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। Which one of the following cell organelle does not possess its own genetic material encoding protein? किसमें अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता प्रोटीन को इनकोड करने के लिए, और जीन्स होते किसके ऊपर है, डीएनए के ऊपर। तो इसको आप ऐसे समझ लो, किसमें अपना खुद का डीएनए नहीं है ऐसे समझ लो, अपना खुद का डीएनए नहीं है ऐसे समझ लीजिए इसको।
राइबोसोम में नहीं होता। राइबोसोम प्रोटीन, उसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस का, इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। बना होता है खुद भी प्रोटीन प्लस आरएनए, प्रोटीन प्लस आरएनए का होता है, डीएनए नहीं होता इसमें। न्यूक्लियस में डीएनए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा, ये तीनों सही है। डज नॉट पसेस न्यूक्लिक एसिड, कौन से सेल ऑर्गेनल में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए आरएनए में एनए का मतलब ही न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए में एनए का मतलब न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोलस तो है ही, कंटेन करता है ये। क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए आरएनए होता है, प्रोकैरियोट जैसा दिखता है। राइबोसोम में अभी हमने देखा आरएनए आरएनए है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होता, ये बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन, इसमें डीएनए आरएनए नहीं है। ये क्वेश्चन है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है ये बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्राइमरी कंज्यूमर कभी भी फूड चेन की स्टार्टिंग जो होती है वो प्रोड्यूसर होता है। फूड चेन में होता है प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, फिर डीकंपोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। कंज्यूमर में भी जैसे ये फूड चेन है, ग्रास, ग्रास हूपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब है सबसे पहले, ये तो होगा प्रोड्यूसर, बाकी ये सारे होंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर में सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो अगर इसी के हिसाब से देखें तो ट्री होगा प्रोड्यूसर, ट्री के ऊपर डिपेंड करेगा कैटरपिलर, ये होगा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। फ्रॉग होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, स्पैरो हॉक होगा टर्शरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर होगा कैटरपिलर। Which one of the following mineral is used as a fuel in nuclear power plant? Nuclear power plant में as a fuel क्या इस्तेमाल होता है? यूरेनियम का ओर है पिच ब्लेंड, ये है यूरेनियम ओर पिच ब्लेंड, ये सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बाइंडर इन पेंट्स, पेंट में एज ए बाइंडर क्या यूज होता है।
नोवोलेक, पेंट में एज अ बाइंडर डाला जाता है नोवोलेक। नेशनल वाटर एकेडमी कहाँ स्थित है? नेशनल वाटर एकेडमी खड़गवासला पुणे, खड़गवासला पुणे। कंपोस एंड लियानोस ग्रासलैंड कहाँ स्थित है? कंपोस लियानोस ये ग्रासलैंड कहाँ पर स्थित है? साउथ अमेरिका, लियानोस कंपोज साउथ अमेरिका। विटीकल्चर अंगूर की खेती, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड काफ़ी फेमस है इसके लिए अंगूर की खेती। न्यूक्लियर रिएक्टर का बेसिक प्रिंसिपल, न्यूक्लियर रिएक्टर का बेसिक प्रिंसिपल। न्यूक्लियर रिएक्टर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इसका काम है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कंट्रोल्ड फिशन, कंट्रोल्ड फिशन प्रोसेस, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। Who among the following has explained the phenomena of photoelectric effect? Photoelectric effect इसी के लिए मिला था आइंस्टीन को नोबल फिजिक्स 1921। नोबल इसी के लिए मिला था। इनमें से कौन वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर नहीं है? कौन सी रिवर इसमें से वेस्ट की तरफ फ्लो नहीं करती? तो नर्मदा, तापी, लूनी, माही, घग्गर ये सब वेस्ट फ्लोइंग है।
पेरियार, पंबा, भरत पूजा, ये तीनों वेस्ट फ्लोइंग हैं, ताम्रपर्णी नहीं, ताम्रपर्णी वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। किस रिवर का वैदिक नेम वितस्ता? किस रिवर का वैदिक नेम वितस्ता था? जैसे सिंधु रिवर है, सतलज का नाम सतुद्री हुआ करता था, व्यास रिवर विपाशा नाम था, चेनाब का नाम अस्किनी, तो उस तरीके से वितस्ता किसका नाम था? वितस्ता था झेलम का। सप्त सिंधव रीजन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, सप्त सिंधव वहाँ पर नाम आता है ये। सप्त सिंधव मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, एंशियंट इंडिया में टॉपिक आता है ये। रिवर शारदा ड्रेन्स इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ यूपी। बिफोर एंटरिंग इन द प्लेन शारदा इज नोन एज। शारदा रिवर नेपाल से आती है, इंडिया में इसको शारदा बोलते हैं, नेपाल में क्या कहते हैं? काली रिवर। नेपाल में ये काली रिवर, काली या महाकाली दोनों नाम यूज होते हैं। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन प्रोग्राम, फुल इम्यूनाइजेशन। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट लाइट ईयर बहुत लंबी दूरी स्पेस में, डिस्टेंस की यूनिट है स्पेस में। रिक्टर स्केल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। रिक्टर स्केल वॉज डिवाइज इन 1935 बाई चार्ल्स एफ रिक्टर। रिक्टर स्केल हैज़ नो अपर लिमिट, ये भी सही है। इट डिस्क्राइब द क्वान्टिटी ऑफ एनर्जी रिलीज बाई सिंगल अर्थक्वेक, ये भी सही है। बेसिकली मेजर करता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मेजर करता है और वो भी इसमें एम्पलीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड मेजर करता है उसमें भी एम्पलीट्यूड। ब्लैक होल के लिए क्या डेफिनेशन सही है? ब्लैक होल के बारे में सही स्टेटमेंट।
स्टार विच हैज़ कोलेप्स्ड इनटू इटसेल्फ एंड हैज़ लार्ज एक्सेलरेशन, ये सही है सी। लीगो स्टैंड्स फॉर, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इंडिया कहाँ पर लगा रहा है ये लीगो ऑब्जर्वेटरी? हिंगोली महाराष्ट्र। ग्रेविटेशनल वेव के स्टडी के लिए इंडिया ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लगा रहा है हिंगोली महाराष्ट्र। इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस से रिमूव होगा, हटाता इसको राष्ट्रपति है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। हटाता इसको राष्ट्रपति है, रिकमेंडेशन किसका होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राज्यसभा के बारे में क्या सही नहीं है? नॉट करेक्ट। राज्यसभा के बारे में नॉट करेक्ट। राज्यसभा के बारे में नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। मेंबर इलेक्ट होते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, ट्रू। द इलेक्शन फॉलोज द सिस्टम ऑफ पीआरएस एसटीवी, ट्रू। वन थर्ड मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, ये भी सही है। ये परमानेंट बॉडी है, राष्ट्रपति इसको डिसॉल्व कर सकता है, गलत। परमानेंट बॉडी है राज्यसभा, इसको राष्ट्रपति इसको डिसॉल्व कर सकता है, फॉल्स।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या चीज मेजर करेगा? पूरा पॉलिटिक कई बार पढ़ा चुका हूँ अखिल, वीडियो देख तो लो एक बार जाके, अन अकेडमी स्पेशल क्लास में जाओ, दिखा पढ़ाया हुआ है ये हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड वगैरह। लास्ट ईयर अगस्त के लेक्चर देखना स्पेशल क्लासेस में, ESCN गेट कैटेगरी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताता है। कॉलरा के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। कॉलरा कॉज लॉस ऑफ मेमोरी, गलत। डिजीज ऑफ मसल एल्कोहल कंजम्पशन से होता है, गलत। इट इज़ ए डिजीज कॉज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, ये सही है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से। रेंज दैट राइजेज इन ईस्टर्न गुजरात नियर द अरेबियन सी कोस्ट रनिंग ईस्ट थ्रू महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश टू छत्तीसगढ़, कौन सी रेंज है? सतपुड़ा रेंज की बात हो रही है। ये देखो ये लिखा है, रीड करो, मैं आ रहा हूँ एक मिनट।
गंगा रिवर ब्रह्मपुत्र डेल्टा, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा है सुंदरबन। गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया डेल्टा सुंदरबन, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर के द्वारा बनाया गया डेल्टा, सुंदरी मैंग्रोव्स के नाम पर इसका नाम है। इसका नाम सुंदरी मैंग्रोव्स के नाम पर। तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा इज द लार्जेस्ट रिवर डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा इज अ टाइड डोमिनेटेड। मेघना रिवर ऑन द ईस्ट। तीनों बातें सही है। जोंक, इब, ओंग, टेल, ये कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? कहाँ के ट्रिब्यूटरीज हैं ये? महानदी सब ट्रिब्यूटरी है महानदी। मजूली सबसे बड़ा रिवर आइलैंड दुनिया का। रिवर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है मजूली। कहाँ पर है ये? रिवर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड मजूली आइलैंड के स्थित है असम, ब्रह्मपुत्र रिवर में। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर में इसमें से कौन कौन से पॉल्यूटेंट आते हैं? ग्राउंड वाटर में इसमें से कौन कौन सा पॉल्यूटेंट आएगा? तीनों आएगा, नाइट्रेट, आर्सेनिक, फ्लोराइड। नाइट्रेट के ज्यादा होने से प्रॉब्लम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। आर्सेनिक के ज्यादा होने से पार्किंसन। फ्लोराइड के ज्यादा होने से फ्लोरोसिस। कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? कैगा कर्नाटका, काकरापार गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश। कैगा कर्नाटका, काकरापार गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश। तीनों ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के सभी बच्चे को, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के सभी बच्चे को, ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? '86। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट?
राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सीजीआई। किसकी एडवाइस पर राष्ट्रपति विड्रॉ कर लेता है अध्यादेश को? किसकी एडवाइस पर विड्रॉ कर लेता है अध्यादेश को मंत्रिमंडल के, मंत्रिमंडल की सलाह पर? द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, हाउएवर दिस पावर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, ही कैन प्रोमलगेट और विड्रॉ ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उनको जो संवैधानिक दर्जा मिला है, कौन सा अमेंडमेंट है? 102 नंबर। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा मिला है, 102 नंबर अमेंडमेंट है। फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पर एस्टैब्लिश हुई थी? पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पर एस्टैब्लिश हुई थी? 1687 मद्रास, 1687 मद्रास। अटॉर्नी जनरल के बारे में सही स्टेटमेंट। अटॉर्नी जनरल बताया था मैंने, सरकार का वकील होता है, इसको हायर किया जाता है, कोई फुल टाइम नहीं, इसको हायर किया जाता है और इसकी सैलरी नहीं होती, फीस होती है। तो ही फॉल्स इन द कैटेगरी फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट, ही इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम लीगल सर्विस, लीगल प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिस से डिबार नहीं किया जाएगा, वो अपना कंटिन्यू रख सकता है, ट्रू, लीगल प्रैक्टिस जारी रख सकता है, पर केंद्र के खिलाफ कोई मामला नहीं उठाएगा, केंद्र के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ेगा कभी। तो ही इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, ये बात सही है, बस केंद्र के खिलाफ कोई मामला डील नहीं करेगा। तो थर्ड तो सही है, करेक्ट बताना है। फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट का ये गलत है, गवर्नमेंट सर्वेंट कैटेगरी में आता है, गलत, ओनली थ्री। लॉयर है, हायर किया जाता है, उसकी फीस दी जाती है। गो बैक टू वेदास किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। गो बैक टू वेदास दयानंद सरस्वती, इनकी बुक थी सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया, वुड्स डिस्पैच 1854।
किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया? चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा की घटना के बाद। फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी का फाउंडर महापद्मनंद, इन्हीं का लड़का था धनानंद, महापद्मनंद। चौथ एंड सरदेशमुखी, चौथ एंड सरदेशमुखी क्या था? 1/4 और 1/10, 1/4 1/10 टैक्स कंपोनेंट शिवाजी लगाते थे, इनकम का सोर्स था ये सिस्टम को चलाने के लिए। शिवाजी कलेक्टेड द चौथ एंड सरदेशमुखी फ्रॉम द टेरिटरी विच वॉज आइदर अंडर हिज एनिमीज और अंडर हिज ओन इन्फ्लुएंस। द चौथ वॉज 1/4 पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर टेरिटरी वाइल द सरदेशमुखी वॉज 1/10। शिवाजी कलेक्टेड दिस टैक्सेस सिंपली बाई फोर्स ऑफ हिज आर्म्स। दीज कंस्टिट्यूंटेड ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ शिवाजी एंड हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ मराठा पावर इन दैट टेरिटरीज। नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आरबीसी डब्ल्यूबीसी में क्या डिफरेंस है? आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस, डब्ल्यूबीसी हैव न्यूक्लियस। ट्रू, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में होता है, सही है। आरबीसी का लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है डब्ल्यूबीसी के मुकाबले, आरबीसी का लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है डब्ल्यूबीसी के मुकाबले, सही है। 90 से 120 दिन, आरबीसी का लाइफ स्पेन 90 से 120, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन 13 से 20 दिन और प्लेटलेट का 10 दिन, प्लेटलेट का लाइफ स्पेन 10 दिन। कोन्स एंड रॉड्स कहाँ पाए जाते हैं? कोन्स एंड रॉड्स कहाँ पाए जाते हैं? रेटिना। इंडिया का डेजर्ट नेशनल पार्क, उसके बारे में क्या बात ठीक है? डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। दो डिस्ट्रिक्ट में फैला है, ट्रू, बाड़मेर जैसलमेर। कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है यहाँ पर, नहीं गलत है ये स्टेटमेंट, बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं यहाँ। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड होती है, उसका नेचुरल हैबिटेट है। ये बर्ड भारत के 3 राज्यों में देखी जाती है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। इसके नाम पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में, और ये बर्ड यहाँ भी देखी जाती है।
डेजर्ट नेशनल पार्क में। ठीक है, जब इतना ही रखते हैं।